पिछले साल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर शादी के 6 साल बाद माता पिता बने। बेटी के जन्म के बाद उनके लिए खुशी के साथ साथ एक बुरी खबर ने भी दस्तक दी, जिसका दर्द इस कपल ने महीनों तक दुनिया से छुपा कर रखा। अब 8 महीनों के बाद बिपाशा ने खुलासा किया है कि उनकी बेटी के दिल में छेद था। जी हाँ, 12 नवंबर 2022 को मां बनी बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है। हाल ही में नेहा धूपिया के साथ लाइव चैट के दौरान बिपाशा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। बिपाशा ने जाहिर किया कि उनकी बेटी देवी के दिल में 2 छेद थे और वो जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थी। 3 महीने के बाद देवी की सर्जरी हुई थी। बिपाशा बसु ने रोते हुए नेहा धूपिया से कहा कि उनके चेहरे की मुस्कान ने पीछे के दर्द को छुपाया था, जिसे वो दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। बिपाशा ने लाइव सेशन में कहा, हमारी जर्नी नॉर्मल पेरेंट से बिल्कुल अलग रही। ये उस मुस्कान से कहीं अधिक कठिन है जो अभी मेरे चेहरे पर है। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी माँ के साथ ऐसा हो। मुझे बेटी के जन्म के 3रे दिन पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं। मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसे बता रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी माएं हैं जिन्होंने इस यात्रा में मेरी मदद की। बिपाशा बसु ने आगे बताया कि जैसे ही उन्हें और करण को इस बारे में पता चला, दोनों शॉक्ड रह गए। उन्होंने इस बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। बिपाशा ने आगे कहा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि VSD क्या है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष है। हम एक बहुत बुरे फेज से गुजरे। हमने इस बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं किया। हम दोनों ही बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन हम सुन्न थे। शुरुआती 5 महीने हमारे बहुत ही कठिन रहे, लेकिन देवी पहले दिन से शानदार रहीं। बिपाशा ने खुलासा किया कि छेद बड़ा होने की वजह से देवी की 3 महीने में सर्जरी करनी पड़ी। भारी मन से बिपाशा ने कहा, हमें बताया गया कि हर महीने हमें ये जानने के लिए स्कैन कराना होगा कि अपने आप ठीक हो रहा है या नहीं, लेकिन छेद बड़ा होने की वजह से हमें बताया गया कि सर्जरी करानी जरूरी है। और सर्जरी तब कराना सबसे अच्छा होता है जब बच्चा 3 महीने का हो जाए। आप एक बच्ची का ओपन हार्ट सर्जरी कैसे कर सकते हैं, ये सोचकर आप बहुत दुखी और बोझिल महसूस करते हैं। बिपाशा ने आगे बताया कि वो और करण ने बच्ची के नेचुरल ठीक होने का इंतजार किया। पहले और दूसरे महीने में रिजल्ट फेल हो गया और फिर बिपाशा ने मन बना लिया कि वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सर्जरी करवाएंगी, लेकिन करण इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार करण माने और बेटी की सर्जरी हुई। 6 घंटे चली सर्जरी के दौरान बिपाशा बेचैन हो गई थी। खैर, अब उनकी नन्ही सी जान एकदम से ठीक है। सर्जरी कामयाब साबित हुई। ये खबर जानने के बाद बिपाशा बसु के फैंस भी थोड़ा सा निराश हो गए थे। फिलहाल अब देवी बिल्कुल ठीक है।